11th स्टैंडर्ड में, इनफैक्ट व्हेन आई वाज इन 12th मैं ओलंपिक्स खेलने वाली थी. आई टोल्ड हिम पापा आई वांट टू बैक आउट, मुझे पढ़ना नहीं है, आई वांट टू गिव माय बेस्ट इन माय बैडमिंटन. तो वो मैंने सोचा कि ये और प्रेशर डालेगा मुझ पर, क्योंकि अब मुझे दिखाना भी है, प्रूव भी करना है कि मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, तो अब मुझे बैडमिंटन में कुछ अच्छा करके दिखाना है. एंड बैडमिंटन वॉज नॉट सो पॉपुलर दैट टाइम. तो आई थिंक 2006 से अभी तक जो बैडमिंटन चेंज हुआ है कंट्री में, आई थिंक इट्स अमेजिंग. इट्स बिकम वन ऑफ द पॉपुलर स्पोर्ट्स इन इंडिया एंड आई रियली आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि जो मैंने डिसीजन लिया वो भी सही लिया और सही टाइम पे लिया. एंड आई थिंक गॉड वॉज विथ मी और काफ़ी लकी भी हूँ मैं कि मुझे आई थिंक भगवान ने वो टाइम में जो डिसीजन जो मैंने लिया वो आज यू नो सही तरह से मैंने यूज़ किया. जो मेरा सपना था कि मैं कंट्री के लिए कुछ करूं, मैं पोडियम पे खड़ी रहूं ओलंपिक्स के, तो आज मैंने प्रूव किया. तो सब स्पोर्ट्स पर्सन को एक्चुअली वो लास्ट 2-3 मंथ्स में मालूम होता है कि हाउ वी आर फीलिंग फॉर अ बिग इवेंट. सर, जैसे आपने कहा कि चाइनीज प्लेयर काफ़ी फिट होते हैं क्योंकि उनके पास बहुत ही इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या आप मानते हैं कि भारत अभी बहुत पीछे है उनसे इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अगर देखें तो? आई थिंक टैलेंट वाइज, कमिटमेंट वाइज एंड जो सेल्फ बिलीफ है वो इंडियंस में बहुत है. आई थिंक इसकी वजह से हमें इतने सारे मेडल्स आए हैं इस बार. लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्पॉन्सर साइड आई थिंक वी आर स्टिल अ लॉट बिहाइंड द अदर कंट्रीज, क्योंकि आप देखिए उनके मेडल ऑलमोस्ट आई थिंक 37-47 मेडल्स एंड वी आर 6 मेडल्स. बट दैट वो भी मेडल्स क्यों आए हैं जो हमारे बिलीफ से, क्योंकि हम अगर ये सोचते हैं कि हमें जीतना है, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, बट एज़ सेड कि काफ़ी लोग इंडिया में खेलना चाहते होंगे, नॉर्थ में खेलना चाहते होंगे, साउथ में, ईस्ट में, सब जगह से खेलना चाहते हो, बट वहाँ पे वो उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उतने मतलब हाई लेवल की कोचेज नहीं है जो उनको वो करवा सकें. तो आई थिंक दीज आर 2-3 फैक्टर्स. अगर ये चेंज हो गए तो आई थिंक नोबडी कैन स्टॉप अस फ्रॉम गेटिंग यू नो, जो चाइना जीत रहा है वो हम भी जीत सकते हैं, बिकॉज आई थिंक टैलेंट वाइज दे आर फैंटास्टिक. आजा आजा जिंदे जावे.